हिलेरियस मूवी है, प्लीज़ आकर के ज़रूर देखिए। अगर आपको हंसने का मन है तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको देखना ही चाहिए। इट्स हिलेरियस, मस्त है, मज़ा आ गया। फिल्म अच्छी थी काफ़ी, लाइट कॉमेडी। फिल्म ठीक है, कॉमेडी है, अच्छी है मूवी, देखने लायक है। मूवी अच्छी थी, मतलब डायना बैंडी का एक्टिंग भी अच्छी। बिल्कुल, उनका कमबैक बहुत अच्छा है क्योंकि शायद वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई है। स्क्रीन प्ले, राइटिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, एक्टर्स सबके सब अच्छे। डायना और मुझे अभय देओल का काम ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एक्सपेक्टेशंस ऐसी खास नहीं थी लेकिन यार काफ़ी अच्छी लगी, मतलब ट्रेलर वेलर ठीक था, खूबसूरत खूबसूरत एक्टिंग ठीक है। एक्टिंग के लिए बाकी लोग हैं ना, पीयूष मिश्रा, जिमी शेरगिल, अभय देओल, सबके अच्छे हैं, सबके काम अच्छे हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी थी। हैप्पी को मतलब कोई भी भगा के ले जाएगा, शी वॉज रियली दैट गुड। हु? अभय देओल वॉज गुड, पीयूष मिश्रा वॉज गुड। एक्टिंग जिमी शेरगिल की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो भी ठीक है। पीयूष मिश्रा की भी एक्टिंग अच्छी है, अली फैजल भी ने भी अच्छा काम किया है। हाँ, कॉमेडी भी है, सेंसेशनल भी है, ठीक है। मतलब एक्चुअली जिमी शेरगिल बहुत सपोर्टिव एक्टर से, उसमें अभय देओल एक्सपीरियंस एक्टर है, बाद में अली फजल, ही डिड फास्ट एंड फ्यूरियस, देन खामोशिया, मतलब हिज एक्टिंग वाज गुड इन दैट मूवी, वाज गुड। एंड सॉन्ग्स वर आल्सो रियली गुड। स्टोरीलाइन वाज गुड, स्टोरीलाइन हैज एन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, रनिंग हियर एंड देयर, एंड विद लॉट्स ऑफ कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी है, थोड़ी अच्छी है। कैसी लगी? शी इज़ हॉट मैन, शी इज़ हॉट। एक्टिंग भी ठीक है, आफ्टर कॉकटेल इतने दिनों बाद। अली फजल अच्छा है, ठीक है, कॉमेडी मूवी है। म्यूजिक बस एक ही गाना अच्छा है, तेरा तेरा तेरा। म्यूजिक भी मतलब फिल्म में जैसे डिमांड थे उसके अकॉर्डिंग ही थी। म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक के हिसाब से अच्छा अच्छा टाइम पास है, फिल्म मान के रखती है यार। म्यूजिक नॉर्मल है, एवरेज। म्यूजिक भी मतलब ठीक है, वो जो पार्टी एंथम है मीका सिंह के साथ वो भी अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक वाज नाइस, म्यूजिक ऑब्वियसली, म्यूजिक इज ऑन रिवील, इट्स ऑन रोलिंग, इट्स नाइस। नहीं, वन मोर टाइम, एक ही बार देख सकते हैं पिक्चर। ओके ओके, आप कितना मतलब स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 3.5। ओवरऑल कितने स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 3.5 3.5 3 स्टार 3 ओवरऑल 3.5 विल डू। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 3.5। फिर से आना चाहेंगे? वन टाइम वॉच है।